सिंगरौली मानवाधिकार मीडिया के ब्यूरो चीफ मुन्ना सरकार गुप्ता निवासी गनई थाना सही अंतर्गत कुछ बदमाशों ने पत्रकार पर तेज धारदार हथियार से हमला करने की कोशिश की। पीड़ित पत्रकार मुन्ना सरकार गुप्ता ने बताया कि खबर कवरेज के दौरान किया गया यह हमला। बदमाश खबर पर रोक लगाने का दबाव बना रहे थे। वहीं उन्होंने बताया कि बदमाशों के चंगुल से उन्होंने 2 मई को सुबह 8 बजे छूट पाए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने चंगुल में रहने के दौरान बदमाशों ने जबरदस्ती एक पेज पर एक पत्र भी लिखवा लिया है। बदमाशों ने पत्रकार को इतना डरा धमका दिया कि पत्रकार को पुलिस से गुहार लगाने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहा था। पत्रकार ने जिला प्रशासन से मांग की कि उसका मेडिकल टेस्ट भी कराया जाए एवं उन बदमाशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके ताकि पत्रकार सुरक्षित महसूस हो सके। 1 तारीख को 3 बजे भोर मेरे साथ मैं आयुष तिवारी के रूम में सो रहा था और सोए हुए मुझे 10 मिनट हुआ था कि उस 10 मिनट के दरमियान 3 लोग आए, परशुराम केसरी पिता त्रिभुवनदास केसरी, राहुल केसरी पिता राधेश्याम केसरी और विकास केसरी पिता रामकुमार केसरी बरगवां का जो निवासी है। ये 3 लोग आए और मेरे साथ अचानक मारपीट करने लगे और जिस दरमियान उस मारपीट दरमियान बाहर भी कुछ लोग खड़े थे और अचानक मेरे साथ मारपीट करने लगा। मुझे तो समझ में नहीं आया कि किस चीज़ को लेकर के या करके मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं। बरगवां के डायल शॉप खड़ी थी, कुछ लोगों ने ये भी बताया कि बाराती पक्ष के दूल्हे के भाई को डीजे वाले ने एक दो चाटा मारा है, जिस बात को लेकर के बाराती पक्ष ने डीजे वाले के साथ जमकर पिटाई की। तो मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, अगर डीजे वाले के साथ मार पिटाई होती है तो मुझसे मीडिया होने के नाते मैंने सोचा कि मामले को आगे तक भेजना चाहिए। तो इस चीज़ों को लेकर के बाराती पक्ष वालों ने मुझे वहीं पर विरोध किया और विरोध करके मुझे वहाँ से हटाया गया और गाड़ी में बैठा करके कहीं दूर ले जाया गया और वहां पर ले जाकर मुझे ये समझाइश दी गई कि इस खबर को छापने की जरूरत नहीं है, ये बड़े घरों की बारात है, इस तरह से मीडिया में बात आएगा तो दूल्हे की भाई की बेइज्जती होगी। सिंगरौली से ग्राउंड रिपोर्टर उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट।